देखिए, आमतौर से आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा, आपने भी बोला होगा तन्हाई। तो तन्हाई शब्द की इंग्लिश क्या है, इस छोटे से वीडियो में आज हम लोग देख लेते हैं। तन्हाई शब्द का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में अर्थ और मतलब क्या होता है, फिर सेंटेंसेस में यूज़ करके तन्हाई शब्द को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, तन्हाई की इंग्लिश आती है लॉनलीनेस, एलोननेस, एलाइनेशन या लॉनसमनेस। मतलब ये होता है तन्हाई का इंग्लिश में, द स्टेट ऑफ बीइंग एंड फीलिंग सॉलिटरीनेस इज कॉल्ड तन्हाई। मतलब ये हुआ कि सॉलिटरीनेस का मतलब भी तन्हाई के ही मीनिंग में आता है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ होता है अकेलापन, एकाकीपन, निसंगता। मतलब ये होता है कि तन्हा या अकेला होने की भाव या अवस्था को हम तन्हाई बोलते हैं। जब हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि डर की वजह या डर की असल वजह अकेलापन है, मतलब एलोननेस इज द मेन रीज़न फॉर फियर। और दूसरा एग्जांपल है, कभी भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो मुझे बुला लिया करो। मतलब ये हुआ इंग्लिश में कि प्लीज़ कॉल मी वेन एवर यू फील लॉनलीनेस। तो उम्मीद है आपने तन्हाई शब्द को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।